दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी इमेज है, कोई ऐसी पिक्चर है, कोई ऐसी घटना पास्ट में जो घटी हुई है, जिसका आपके मन पर आज भी बड़ा दर्दनाक इंप्रेशन है, जिसको याद करने से आज भी आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटना जो आपको आपको बहुत दर्द देती है, बहुत तकलीफ देती है, पास्ट की ऐसी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए मैं बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। इसका नाम है पास्ट एज रिग्रेशन। और मैं हूं संजीव मलिक, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से। मैं एक मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लें, और इस तरह की हजारों टेक्निक आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं इस टेक्निक के बारे में, कैसे करना है। आपने रिलैक्स होकर लेटना है और अपने मन के अंदर पास्ट की उस घटना तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को एक रिलैक्स जरूर कर लीजिएगा डीप लेवल पर। उदाहरण के लिए आप क्या करेंगे, मैं अपने अंगूठे को, अपनी उंगली के इस नाखून को थोड़ा सा प्रेस करूंगा और मैं फील करूंगा कि मैं बहुत रिलैक्स हो चुका हूं, बहुत रिलैक्स हो चुका हूं, बहुत रिलैक्स हो चुका हूं, बहुत रिलैक्स हो चुका हूं। एक बार आप रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, अब जब जब आप इस अंगूठे को प्रेस करेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे, ये आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आप आराम से लेट जाएंगे और आंखें बंद करके उस घटना को अपने सामने लेकर आएंगे। पहले डीप रिलैक्सेशन में चले जाइए और घटना को सामने लेकर आएंगे। उससे पहले मन में संकल्प ले लीजिए कि मैं किसी भी चीज के लिए आज माफ करने के लिए तैयार हूं, और अपनी कोई गलती हो तो मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस घटना से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता हूं, चाहती हूं, और ये मैं अपने अपने इष्ट, अपने गुरु की प्रेजेंस में करना चाहती हूं। तो पहले इमेजिन कर लें कि आपके इष्ट या गुरु आपके साथ कनेक्टेड है, तो उनको आप प्यार से उनका ध्यान करें, इमेजिन करें कि आपके पास एक डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हैं। जहां भी आपका संपर्क हो उनके प्रति मन में भाव प्यार लेकर आए, आप उनसे कनेक्टेड हैं और उनकी ग्रेस, उनकी रहमत, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। एक बार आप डीप कनेक्शन फील कर लें, ताकि उस घटना को डिलीट करने के बाद मन के अंदर जो खाली जगह बचेगी वहां पर आप अपने गुरु का, अपने इष्ट का प्रेम जो है वहां पर वो फील कर दिया जाएगा। तो आपने इसी तरह से इमेजिन करना है। अब आप उस घटना तक पहुंचने का प्रयास करें, आप बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। आप उल्टी गिनती गिनेंगे, 20 से लेकर 0 तक मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, आप फील करते जाएंगे, हर एक गिनती पर आप गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और रिलैक्स होते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें, सांस को पेट में भर लें, धीरे धीरे छोड़ दें, 20 डाउन जाने दें, 19 और रिलैक्स होते जाएंगे, शांत होते जाएं, 18 और शांत होते जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, 17 डीप ब्रेथ इन एंड आउट, 16 डीप ब्रेथ इन एंड आउट, 15 deep breath in and out, 14 deep breath in and out, 13 gehri saans bhitar aur bahar, 12 deep breath in and out, 11 gehri saans bhitar aur bahar, shant hote jaye, shant hote jaye, shant hote jaye, 10 gehri saans bhitar aur bahar, 9 deep breath in and out, 8 deep breath in and out, 7 deep breath in and out, 6 deep breath in and out, 5 deep breath in and out, 4 deep breath in and out, 3 deep breath in and out, 2 gehri saans bhitar aur bahar, 1 gehri saans bhitar aur bahar, aur mere 0 kehte hain, bilkul aakhri relax stage mein pahunch jayenge, aap bilkul deep mein pahunch jayenge, bilkul deep mein pahunch jayenge, aur aap 0 deep breath in and out, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। सामने देखें, अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप अपनी पास्ट की वो पिक्चर देख पाएंगे, वो फोटो, वो वीडियो, वो मूवी देख पाएंगे, जो आप वो घटना आप देख पाएंगे जो याद करते हैं अभी आपको बहुत पीड़ा होती है। सामने देखिए, अब आप देखने वाले हैं, इस बात को याद रखिए, अब आप देखने वाले हैं। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को याद दिलाइए कि मैं देखने वाला हूं, और अपनी उंगली को रिलैक्स रहने के लिए बार बार कमांड दीजिए कि मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है। सामने घटना घटेगी, घटना घटेगी, देखिए सामने घटना घटेगी। इस घटना का कंट्रोल टोटली आपके पास है, ये जो थिएटर है, ये मूवी सामने जो दिख रही है, ये आप ही की मूवी है, वो घटना सामने चलेगी। अब देखिएगा इस घटना को चलते हुए, इस घटना को चलते हुए देखिए, मूवी शुरू करें, स्टार्ट नाउ, शुरू करें। देखिए सामने घटना घट रही है, जैसे भी वो घटना घटित हुई थी, कुछ पीड़ा, कुछ दुख, कुछ दर्द आपके भीतर वो बढ़ता जा रहा है। जरा डीप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप यू आर लुकिंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, आप गहरे देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। सामने दिख रहा है उन घटनाओं का,
जो असर हो रहा था आपके मन में, आप सामने बैठे हुए उस घटना को देख पा रहे हैं, उसके इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, सब कुछ आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। देखते जाएं, देख रहे हैं आप, पूरी घटना देख रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने दिल दुखाया, आपने कुछ कहा, कुछ उसने कहा, कोई मन में परेशानी पैदा हुई, इमोशंस जागे, दर्द हुआ हार्ट के अंदर, दुख हुआ, पीड़ा हुई, बेचैनी हुई, जो भी हो रहा है उसे देखें, बड़े प्यार से देखते जाएं। अभी जो स्क्रीन सामने दिख रही है, इस पर आप इस घटना को सामने देख पा रहे हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल अलग हैं। अब जैसे आपने इस घटना को देखा, अब इस घटना से आपने क्या लर्निंग ली, क्या सीखा, देखें इस घटना से मैंने क्या सीखा। अपने आप को वो लर्निंग को 3 बार दोहराएं। मैं इस घटना से ये सीख रहा हूं कि मुझे इस तरह के लोगों से कैसे डील करना चाहिए। ये डीलिंग बिल्कुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल तरीके से हो। उससे पहले आप इस घटना को में एक जज की तरह से ये भी देखें कि किसकी गलती है, और जिसकी भी गलती हो, अगर आपकी गलती है तो तुरंत माफी मांग ले। कहें कि मैं मन वचन कर्म से इस व्यक्ति से माफी मांगता हूं, और अगर इसकी गलती है तो मैं मन वचन कर्म से इसी वक्त इस व्यक्ति को माफ करता हूं। कर दें माफ पूरी तरह से। माफ कर दें। याद रखिए, आपके इष्ट गुरु आपको देख रहे हैं लगातार, और यह उनकी प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, तो आप यहां गलती नहीं करेंगे। आप पूरी तरह से उनके सामने कमिटेड हैं, तो अच्छे से इस घटना को पूरा का पूरा सामने देखें। माफी मांगनी है, माफी मांग लें, माफ करना है तो माफ कर दें, और जो भी सीख लेनी है उस सीख को अपने मन में 3 बार रिपीट करें। मैंने इस घटना से ये सीख ली है। फिर आगे जो भी सीखो बोलिए। मैंने इस घटना से ये सीख ली है, इस सीख को बोलिए अपने मन के अंदर, ताकि आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैंने इस घटना से क्या लर्निंग ली है। एक बार आपने लर्निंग ले ली, अब अपने इष्ट या गुरु के आगे समर्पित कर दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से मेरे मन से ये चीज डिलीट हो गई है, थैंक यू वेरी मच, ये मैं इस घटना को डिलीट करने के लिए तैयार हूं। अभी तक मैंने सिर्फ लर्निंग लिया। मैं क्या करूंगा, आप एक मशाल उठाइए, एक जलती हुई मशाल आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने आपको दी है। इस जलती हुई मशाल से आप इस पूरी स्क्रीन को इस घटना समेत डिलीट कर देंगे, इस घटना के साथ साथ डिलीट कर देंगे, आग लगा देंगे, जस्ट बर्न इट ऑफ, आग लगाएं, मशाल उठाएं, पूरी तरह से जला डालें, इस पूरी स्क्रीन को जला डालें, आग लगा दें, पूरी तरह बर्न इट ऑफ, पूरा जला डालें, पूरी तरह जला डालें, हटा डालें अपने मन से, बिल्कुल हटा डालें, जला दें, पूरी तरह जला दें। देखिए, पूरी की पूरी घटना जल चुकी है, केवल राख बची है। उस घटना को याद करने पर भी आपको याद नहीं रहेगा आएगा, लेकिन केवल सीख आपको सदा याद रहेगी। अब इस घटना से बिल्कुल दूर हो जाएं। स्क्रीन साफ हो चुकी है सामने, स्क्रीन बिल्कुल साफ हो चुकी है, एकदम वाइट स्क्रीन हो चुकी है। इसके घटना के द्वारा आपके मन पे जो भी प्रभाव पड़ा था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपके इष्ट या गुरु आपके सामने हैं, एक बार शुक्रिया अदा करें उनका, धन्यवाद करें। ये घटना आज के बाद आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, कोई भी तकलीफ आपको आपके बाद इससे रिलेटेड नहीं होगी। अपने आप को भी हर चीज के लिए आपने माफ कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे अपनी टाइम लेते हुए 5 से 1 की गिनती में गिनूंगा और आप नॉर्मल होते चले जाएंगे। 5 नॉर्मल होते जाएंगे, शरीर को फील करें। 4 नॉर्मल होते जाएं, शरीर को फील करें। 3 नॉर्मल होते जाएं, फील करें। 2 1 और 0। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। अपने आसपास के माहौल को फील करें। अब वो घटना आपको याद करने पर भी याद नहीं आएगी, लेकिन उसकी लर्निंग आपको याद रहेगी। तो कैसा रहा, जैसा भी हो नीचे फीडबैक जरूर दें। और अन्य घटनाएं हो तो इस वीडियो को बार बार लगाकर आप किसी भी घटना को डिलीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।